फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अन्नपूर्णा किचन में। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है अदरक और नींबू के अचार की। कैसे बनाया जाता है आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। ये मैंने 150 ग्राम अदरक लिया है और 150 ग्राम नींबू लिए हैं। नींबू और अदरक आप लोगों को पता ही होगा हमारे पेट के लिए कितने फ़ायदेमंद होता है। हमारा खाने को बहुत जल्दी से डाइजेस्ट कर देता है। अगर सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ भी हो तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। और बहुत सारे गुण होते हैं जो हमें अदरक और नींबू में मिलते हैं। नींबू तो विटामिन सी से भरपूर होता है। आपको गैस हो रही हो तो ये गैस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए आज बहुत ही साधारण सा अदरक और नींबू का अचार बनाएंगे। इसमें हम किसी भी तरह का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए, सले से खूब अच्छे से धो लिया था और इसको सुखा लिया था और नींबू भी मेरे धुले हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अदरक को लेना है और इस तरीके से अदरक को अच्छे से छील लेना है। इसका ये छिलका निकाल लेते हैं। हमारा सब छिल चुका है, अब हम इस तरीके से दो पीस करेंगे इसके और इसमें से पतला सा फिर एक पीस करेंगे और इस तरीके से इसको काट लेंगे। थोड़ा लंबा इस तरीके से हम इसको काटते जाएंगे। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं। इस पे रख के ऐसे भी काट सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको इसी तरीके से काट कर दिखाऊंगी सारा। हमारा कट चुका है, देखिए कुछ इस तरीके से हमें अदरक को काटना है। अब मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। एक कटोरी लेना है और इस पर एक हम जाली रखेंगे और नींबू को दो भाग में करके इस तरीके से इसको निचोड़ लेंगे, जिससे जितना भी रस होगा इसका जाली से निकल जाएगा और जो भी बीज होंगे वो उसमें अंदर नहीं जाएंगे। इस तरीके से हम सारे नींबुओं को इसमें ही रस को सारे नींबुओं का रस इसी तरीके से निकाल लेंगे। और बताती हूँ आपको एक बार, इस तरीके से लेंगे और इसको निकाल देंगे। सब निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। नींबू का रस भी निकल कर तैयार हो चुका है। अब हम एक प्याली लेंगे और इस प्याली में इस अदरक को निकाल लेंगे। अब इस रस को हम इसमें मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा नमक डालने से अचार हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसलिए मैं इसमें ये 2.5 चम्मच नमक डालूँगी और इसको मिला देंगे। हमने इसमें नमक मिलाया है तो इसका कलर भी थोड़ा कलर होगा वो चेंज होगा और वो इसका कलर जो है वो पिंक कलर में आ जाएगा। एक दिन की धूप जब हम इसमें दिखाएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा खाने में। आप इसको एक महीने भी रखकर खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। केवल इसमें धूप लग जानी चाहिए एक दो दिन की, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं इसको एक जार में निकाल लेती हूँ। ये मैंने एक जार ले लिया है, लेकिन जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, क्योंकि सूखा अचार जो है अगर साफ़ सुथरा हो बिल्कुल तभी बच पाता है, वरना अचार ख़राब हो जाता है। अब मैं इसको इसमें वापस डाल दूँगी, इसमें भर दूँगी। ढक्कन लगा देंगे और इस तरीके से इसको मिला लेंगे। अब इसको धूप में रख दूंगी मैं। ये एक दिन की धूप में बनकर अचार हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम ये इंस्टेंट अचार हमारा एक दिन की धूप में बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। मैं इसे एक दिन की धूप और दिखाऊंगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने केवल एक दिन की धूप ही इसे दिखाई है। देखिए ये सब जो है जितने भी जो आपको पीला रंग दिख रहा है इसमें, ये पिंक कलर में हो जाएगा।
तो लीजिए, ये बनकर तैयार हो चुका है अचार। ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान रेसिपी है, मैंने आप लोगों को बताई है, आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ।